हाय गाइस, स्वागत 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 करती हूँ आपका मेरी चैनल में काजल क्राफ्ट में। मैं काजल यादव, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी दाबेली टैकोस। ये है विदेशी डिश और देसी स्टाइल। तो चलिए बना लेते हैं सबसे पहले टैकोस। उसके लिए मैंने लिया है आधा कप मैदा और आधा कप गेहूँ, दोनों 50-50% मैंने आटा लिया है ताकि उसका जो क्रिस्पीनेस है वो अच्छे से आए। आप चाहे गेहूँ का बना सकते हैं। उसमें हम डालेंगे नमक और थोड़ा सा मसाला जैसे कि हरी मिर्च, आपको जैसा तीखा पसंद हो उसके हिसाब से, और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा ऐसे हाथ में मसलते हुए, और मॉइस्चर के लिए तेल डालेंगे। अब हम आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। अब हम बनाएंगे दाबेली का मसाला। उसके लिए मैंने लिया है ये उबले हुए आलू, उसको हम मैश कर लेंगे मिक्सर की मदद से। अब उसमें हम डालेंगे मसाला पीनट्स। ये सभी चीज़ें जो दाबेली में डाली जाती है वही सभी ये चीज़ डालनी है इसमें, और अनार के दाने, उस वैसे ही मसाला डालना है। अब मेरे पास जो दाबेली का मसाला रेडी था वो मैंने डाल दिया है इसमें, आप देख सकते हैं ये दाबेली का मसाला। और अब सभी को अच्छे से आप इसमें मसल लीजिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये दाबेली का मसाला है, उसमें सब कुछ स्वाद और मसाला आ जाता है ताकि आपको कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आप मसाला लाएंगे बाहर बाज़ार में अवेलेबल होता है, ये बहुत अच्छा रहता है। उसमें हम डालेंगे फ्रेश धनिया और सभी को अच्छे से फिर से हिला लेंगे। अब हम बना लेते हैं हमारे टैकोस। उसके लिए हमें ये एक लुआ लेना है, उसको हम अच्छे से गोल गोल रोटी की तरह बेल लेना है, बड़ी बड़ी रोटी ही बेलना और थोड़ी सी पतली करना, ठीक है। थोड़ी सी थिन और पतली आप बेलोगे तो ही अच्छे से टैकोस बनेंगे, वरना या जो सूखने के बाद है वो नरम पड़ जाएगा, इसलिए आपको उसे पतला ही बेलना। रुमाल ले लेना है और ऐसा एक मोटा सा बेलन ले लेना है। अब हम क्या करेंगे, ये सभी पूरियाँ हैं उसको हम एक एक करके अच्छे से तल लेंगे। ये देखिए, फ्राई करने के वक्त आपको उसको देखना है कि ये फूले नहीं और क्रिस्पी बने। अगर आपकी जो पूरियाँ नरम बने, थोड़ी सी मोटी होगी तो नरम होगी, इसलिए आपको इसे थीन बनाना है। और ये देखिए, ऐसे ही आपको अच्छे से दबा दबा कर करना है ताकि फूले नहीं। गाइस, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। ये देखिए, ये हमारी पूरी है, वो गरम गरम ही आपको उसमें लेनी है, और ऐसे ही आपको ये अच्छे से बेलन बीच में रखकर उसको ऐसे शेप दे देना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए आप ऐसे रखेंगे तो इसका अच्छा सा शेप आ जाएगा। ऐसे ही मैंने देखिए सभी टैकोस बना लिए हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आपका जो पूरी का डो है वो पतला बेलेंगे तभी ऐसी टैकोस बनेगी, वरना नरम हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, हमारा जो दाबेली का जो मसाला बनाया था उसको हमें इसमें फिल कर देना है। अच्छी तरह से आप कर दीजिए, धीरे धीरे कर दीजिए ऐसे। देखिए, मैंने सभी टैकोस को फिल कर दिया है, उसको मैंने प्लेटिंग डिश में लगा दिया है। अब हम करेंगे ऊपर से उसका गार्निशिंग। अब उसमें जाएगी हमारी ये चटपटी सी इमली और खजूर की चटनी, उसके बिना इसका स्वाद ही नहीं है, तो आप इसे ज़रूर बनाइए। हम सभी में इमली की चटनी डालेंगे।
और उसमें हम डालेंगे ऊपर से ये दही मैंने लिया है और सॉस की बोतल में इसे मैंने दही डालकर इसको एक अच्छे से लुक देने के लिए दही को यूज़ किया है। आपको खट्टा लगता है तो आप मत यूज़ कीजिए, क्योंकि खजूर और इमली की चटनी ऑलरेडी है इसमें इसलिए, लेकिन मुझे इसका गार्निशिंग करना था और दही मुझे बहुत पसंद है तो मैंने यूज़ किया है। आप ऑप्शनल है, नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। और इसमें हम डालेंगे ऊपर से अनार के दाने, पीनट्स और ये हमारी कोथमीर। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा दाबेली टैकोस बनकर रेडी हो गया है। आप भी इसे अपने घर पर ट्राई कीजिए, मस्त बनेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों, अभी के लिए बाय बाय। गाइस आपको जो ये मेरी वीडियो की क्लिप दिख रही है आप उसमें टच करके डायरेक्ट उस वीडियो में जा सकते हैं, और ये मेरे चैनल का लोगो है उसको भी आप टच करके डायरेक्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं।